सरजाब, आई एम द ई कॉमर्स ट्रेनर एट POS Solutions। आज के हमारे वीडियो सीरीज की थर्ड वीडियो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट आइडिया कैसे फाइंड किया जाता है। प्रीवियस टू वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि हम प्रोडक्ट हंटिंग क्यों करते हैं, व्हाट आर द मेन स्टेप्स कि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका जो प्रोडक्ट हंटिंग में होता है, दैट्स टू फाइंड द प्रोडक्ट आइडिया। देर आर नंबर ऑफ वेज जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट आइडिया फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टूल्स यूज कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड इवन टिकटॉक। टिकटॉक इज एन इमर्जिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप टिकटॉक से भी अपना प्रोडक्ट आइडिया फाइंड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपना प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट टू वर्क। इस वक्त आपको स्क्रीन पे मेरी हीलियम 10 का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। हीलियम 10 बेसिकली एक वन ऑफ द वे है प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करने का। हीलियम 10 में आप यहाँ से टूल्स में जाएं और यहाँ आपको टूल नज़र आ रहा है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में आप जाके अपना क्राइटेरिया पुट इन करके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आइडिया फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ अपनी कैटेगरी कि मुझे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में फाइंड करना है और अपने रेवेन्यू की स्टैट सेट करूँ, लाइक आई नीड 45,000 मिनिमम रेवेन्यू एंड मैक्सिमम 90,000 रेवेन्यू, बाकी भी आप स्टैट्स इसी तरह ऐड करके इसको जैसे ही सर्च क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज़ आपके सामने आ जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करके उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाके अमेजोन के ऊपर रिव्यू कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट आइडिया यूजिंग हीलियम 10। आए अब आपको मैं दूसरी टेक्निक्स बताती हूँ कि हाउ यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट आइडिया ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। इस वक्त आपको स्क्रीन पे मेरी फेसबुक लॉगिन नज़र आ रही है। मार्केट प्लेस में मैं इस वक्त हूँ। यहाँ पे जब आप फेसबुक पे जाएं, लॉगिन करें तो आपको अपनी आईडी के अंदर ये आइकन नज़र आएगा मार्केट प्लेस का। मार्केट प्लेस पे जाएं, अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स शो होंगे जो आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये इस प्रोडक्ट की बात करूँ, दैट्स द USB रिचार्जेबल पोर्टेबल जूसर ब्लेंडर। आजकल डिफरेंट वीडियोज़ में भी आप इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं एंड इट्स अ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ऑन Amazon। सो इस तरह आप भी फेसबुक के मार्केट प्लेस को यूज़ करते हुए अपना प्रोडक्ट आइडिया फाइंड कर सकते हैं एंड फर्दर उसकी सर्च को रिफाइन कर सकते हैं। Amazon पे जाके उसको रिसर्च कर सकते हैं एंड उसके स्टैट्स एनालाइज कर सकते हैं। Instagram इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ से आप प्रोडक्ट आइडिया फाइंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बेसिकली जो पोस्ट हो रही होती हैं वो हैशटैग्स यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन किया है और हैशटैग में लिखा है हैशटैग ट्रेंडिंग Amazon। इसको मैंने सर्च किया है तो ये मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज़ शो कर रहा है। अब यहाँ से मैं प्रोडक्ट आइडिया लेके उसको Amazon के ऊपर सर्च कर सकती हूँ और ये डिफाइन कर सकती हूँ कि वो ट्रेंड कर रहा है या नहीं, या वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। चलें अब हम कहते हैं कि टिकटॉक पे आप कैसे अपना प्रोडक्ट आइडिया फाइंड कर सकते हैं। टिकटॉक इज टुडेज इमर्जिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक रिसर्च के मुताबिक ये साबित हुआ है कि बाय द एंड ऑफ 2022 टिकटॉक पे ऑलमोस्ट 2 बिलियन यूजर्स हो जाएंगे। जैसे हमने इंस्टाग्राम पे देखा, टिकटॉक पे भी ठीक वैसे ही लोग हैशटैग्स यूज करते हैं अपनी वीडियोज को ट्रेंड करवाने के लिए। तो मैंने भी हैशटैग टिकटॉक मेड मी बाय का एक यूज किया है सर्च में टिकटॉक के ऊपर। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो मुझे नंबर ऑफ वीडियोज शो हो रही है। अब इसमें आप जैसे पहली वीडियो देखें, डॉग पाव वॉशर, पेट सप्लाइज की जो कैटेगरी है Amazon के ऊपर, दैट्स ऑल्सो वेरी बेस्ट सेलिंग कैटेगरी और इस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है। तो इस तरह आप भी टिकटॉक से अपना प्रोडक्ट आइडिया फाइंड कर सकते हैं। और वे हीलियम 10 से अपना प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करने का वो ये है कि अभी आपको स्क्रीन पे मेरी हीलियम 10 का डैशबोर्ड नजर आ रहा होगा। हीलियम 10 बेसिकली एक ऐसा टूल बॉक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ टूल्स हैं जिसे आप प्रोडक्ट आइडिया के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग में आपकी काफी मदद हो जाती है, उसके बाद आप प्रोडक्ट लिस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी कि जिसके थ्रू आप हीलियम 10 से अपना प्रोडक्ट आइडिया फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हीलियम 10 के डैशबोर्ड पे एक आपके पास टैब आती है रिसर्च अ कीवर्ड। जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश क्लिक करें तो ये आपको एक नया ट्रेंडिंग कीवर्ड दिखाता है। अब ट्रेंडिंग कीवर्ड से मुराद ये नहीं है कि वो कोई प्रोडक्ट ही होगा, ये आप लोगों ने उसको जज करना है कि इज इट अ प्रोडक्ट और नॉट। बेसिकली ये वो आइडियाज आपको दिखाता है जो पिंटरेस्ट पे ट्रेंड कर रहे होते हैं। पिंटरेस्ट लाइक अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अ प्लेटफॉर्म फॉर आइडियाज। यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर रिफ्रेश क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक नया कीवर्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी आ रहा है कॉकटेल ड्रेस क्लासी। सो कॉकटेल ड्रेस ये हमारा एक प्रोडक्ट हो सकता है। हम जाके इसको Amazon के ऊपर सर्च करके और इसके स्टैट्स को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अब हमने देखा कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, पिंटरेस्ट और हीलियम 10 को यूज करते हुए प्रोडक्ट आइडियाज फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप यूट्यूब पे जाके प्रोडक्ट रिव्यूज वीडियोज देख के वहां से भी प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं। सो
देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज, हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है प्रोडक्ट हंट करने का, हम किसी के भी क्राइटेरिया को गलत या सही नहीं करार दे सकते, बट वी हैव अ डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर आर प्रोडक्ट। इसी तरह आप भी अपना प्रोडक्ट क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बजट। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कॉमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो एंड आई विल गेट बैक टू यू। फॉर फर्दर डिटेल्स आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा Amazon Virtual Assistant Pro कोर्स पावर्ड बाई POA Solutions। थैंक यू सो मच।